स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नेम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन। प्रीवियस वी हैड स्टडी दिस एक्टिविटी। इसमें क्या किया था हमने, दो बलून लिए थे, दो बलून के बीच में से हमने एयर ब्लो की थी। तो क्या हुआ, दोनों के बीच में से एयर प्रेशर जो पहले जो था उसका एयर प्रेशर, पहले वाला जो एयर प्रेशर था उससे कम हो जाता है और दोनों बलून जो होते हैं वो एक दूसरे के पास में आते। वैसे एक्टिविटी नंबर हम 4 देखते हैं। टू शो दैट हाई विंड स्पीड आर accomplished बाय रिड्यूस एयर प्रेशर, मीन्स ऐसा बताओ कि अगर विंड की जो स्पीड है वो हाई है तो एयर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। अगेन वही कि वही जो आगे हमने 3 एक्टिविटीज जो पढ़ी थी उसका जो कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट इसी का भी है। प्रोसीजर, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर, मीन्स थंब एंड फोर फिंगर के बीच में एक पेपर लो, पेपर की स्ट्रिप जिसका एल एंड बी मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ कितनी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20x3 सेंटीमीटर बिटवीन योर थंब एंड फोर फिंगर। नाउ अब क्या करना है, नाउ ब्लो ओवर द पेपर, मीन्स पेपर के ऊपर ब्लो मीन्स फूंक मारो। तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, ऑन ब्लोइंग ओवर द पेपर इट मूव्स अपवर्ड। ये घर पे भी आप कर सकते हो, जैसे ही हमने अंदर फूंक मारी या तो अंदर ब्लो किया तो क्या होगा, ब्लो किया तो इससे क्या होगा कि जो पेपर जो हमारा था वो पेपर मूव होगा किस साइड पे, ऊपर की डिरेक्शन में, अपर डिरेक्शन में वो पेपर मूव होगा। अगेन एक स्ट्रिप लो किसकी, पेपर, पेपर पेपर की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है 33 सेंटीमीटर। तो 20x3 सेंटीमीटर वाला एक पेपर लिया, पेपर को ब्लो करते हैं मीन्स पेपर को एयर अंदर, पेपर के अंदर एयर, ब्लो ओवर द पेपर, पेपर के अंदर एयर आती है। ऑब्जर्वेशन, ऑन द ब्लोइंग ओवर द पेपर मीन्स हमको, हमने पेपर को ब्लो किया तो हमको क्या देखने को मिलता है कि जो पेपर हमारा था वो पेपर अपवर्ड डिरेक्शन में मूव करेगा। कंक्लूजन, कंक्लूजन से क्या पता चलता है, When the air is blow over a paper strip, it moves upward. Conclusion क्या आया कि जब हमने air को अंदर blow, मीन्स air में हम air से फूंक मारी paper को, तो वो upward की direction में move होगा। क्यों? Because over the paper reduce the air pressure above the strip. मीन्स जैसे हमने फूंक मारी या तो जैसे हमने blowing किया वैसे paper के ऊपर, ओवर क्या, पेपर के ऊपर वाला जो था एरिया वहां पे जो एयर प्रेशर जो पहले बन रहा था उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी के कारण एयर का प्रेशर जो कम होता है इसी के कारण जो पेपर की जो स्ट्रिप है वो एबो या तो ऊपर की साइड मूव होती है। एज अ रिजल्ट द प्रेशर बिलो द स्ट्रिप बिकम, अब क्या होगा, अब हमने ऊपर फूंक मारी तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट प्रेशर बिलो द स्ट्रिप में, स्ट्रिप के नीचे का जो प्रेशर था बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द पेपर विच पुशेस पेपर अपवर्ड, मीन्स पेपर के नीचे वाला जो प्रेशर या तो स्ट्रिप के नीचे वाला जो प्रेशर था वो स्ट्रिप के ऊपर वाले प्रेशर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और हमको पता है कोई भी चीज वो हायर प्रेशर से कब कहा जाती है लोअर, तो नीचे जो प्रेशर था वो अभी हायर है और जो स्ट्रिप के ऊपर जो प्रेशर है वो कैसा है, लोअर है। तो हमारा जो पेपर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हायर टू लोअर, मीन्स हायर टू लोअर मीन्स जो लोअर एंड था वहां एंड, लोअर मीन्स जो नीचे वाला एरिया था उस वाले एरिया से ऊपर वाले एरिया में जाएगा। फिर से एक पेपर की स्ट्रिप ले लो, पेपर की स्ट्रिप है उसकी लेंथ ऑन ब्रेथ, लेंथ है 20 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, उन दोनों को आप फोर फिंगर या थंब दोनों के बीच में पकड़ के रखो। फिर क्या करो, सेकंड पॉइंट, ब्लो ओवर द पेपर मीन्स उसको फूंक मारो। तो फूंक मारने के बाद ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है कि जो हमने पेपर जो रखा था ना वो मूव हो रहा है अपर डिरेक्शन में, किस डिरेक्शन में, अपर डिरेक्शन में। तो ऐसा क्यों हुआ कि जैसे हमने ब्लोइंग किया तो ब्लोइंग करने के बाद जो स्ट्रिंग के जो ऊपर का जो पेपर, स्ट्रिंग के ऊपर की जो सरफेस थी वहां पे प्रेशर कम हो गया और स्ट्रिप के नीचे प्रेशर बढ़ गया। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा पेपर था वो हायर टू लोअर मीन्स
लोअर एंड पे हायर प्रेशर है तो वहां से जाके ऊपर की तरफ मुड़ेगा। ऐसे हमको पता चलता है कि जब हाई विंड इज, ऐसे हमको क्या पता चला कि हाई विंड स्पीड है वो एकम्प्लीस होती है कि से एयर प्रेशर रिड्यूस हो। ओके, फिर अब इसी टॉपिक पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट एयर हायर टू लोअर, अभी तो बताया, तो फर्स्ट में क्या आएगा आंसर, फर्स्ट में आंसर क्या आएगा बी हायर टू लोअर। सेकंड, व्हाई डज द पेपर स्ट्रिप हेल्ड बिटवीन टू फिंगर्स मूव अपवर्ड ऑन ब्लोइंग एयर ओवर इट, तो फर्स्ट में ऐसा दिया है कि एयर प्रेशर अबू स्ट्रिप इंक्रीज कि अबू डिक्रीज, एयर प्रेशर अबू द स्ट्रिप डज नॉट एग्जिस्ट, या तो डी एयर प्रेशर बिलो द स्ट्रिप डिक्रीज। अभी तो बताया क्या होता है कि स्ट्रिप के जो ऊपर वाला जो प्रेशर है, स्ट्रिप के ऊपर वाला प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए हमारी जो स्ट्रिप है वो लोअर एंड से हायर एंड पे चली जाती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर। देखो एंड बोल रहा हूं तो एंड मीन्स लोअर एंड पे प्रेशर हाई बनता है और हायर एंड पे प्रेशर लो बनता है इस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो लोअर एंड से हायर एंड पे जाता है लेकिन हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ वो जाता है। ओके, अब फिल द ब्लैंक्स। फास्ट मूविंग एयर इज नोन एज विंड, इंक्रीज विंड स्पीड इज एकम्प्लिश्ड बाय प्लैंक प्रेशर। अभी आगे की एक्टिविटी में हमने पढ़ा कि जो स्ट्रिप है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मीन्स हायर एंड से लोअर प्रेशर, तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें ब्लैंक में आंसर क्या आएगा, रिड्यूस। सेकंड लास्ट, एयर एक्सर्ट अगेन एयर, जहां जहां पे एयर होता है वहां पे प्रेशर बनता है, तो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। ओके, हियर वी क्लियर ऑल द एमसीक्यूज। ओके।